ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 2014 के चुनाव का वो शोर कौन भूल सकता है, जब प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचते थे। पूरा माहौल मोदी मोदी की आवाज से गूंज उठता था। बदलते भारत को देखने के लिए युवाओं का जोश देखते ही बनता था। हर तरफ युवाओं में एक ही चर्चा थी, मोदी मोदी। नोटबंदी अर्थव्यवस्था के लिए साबित हुई घातक। युवाओं की ताकत से आखिरकार देश में बनी गई मोदी सरकार। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में नोटबंदी की, जिससे दिखाया गया कि नोटबंदी काले धन और अमीरों पर एक प्रहार है। युवाओं ने भी सरकार का पूरा साथ दिया। उसके बाद बैंकों से बाहर अपना ही जमा किया हुआ पैसा लेने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहे। इस दौरान मोदी सरकार हर निर्णय बदलती रही और बैंकर्स के साथ जनता परेशान होती रही। अचानक हुई इस आर्थिक स्ट्राइक से लोगों में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। कई लोगों की मौत भी हुई। किसी की बेटी की शादी टूट गई तो किसी के पिता को बिना पैसे के इलाज नहीं मिल सका। फिर भी युवा पीएम मोदी के साथ इस आस से खड़ा रहा कि काला धन रुकेगा तो भ्रष्टाचार मिटेगा और नक्सल व आतंकवाद रुकेगा। और भी न जाने क्या क्या होगा, लेकिन जब नोटबंदी का परिणाम आया तो बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। छोटे रोजगार, उद्योग धंधे बर्बाद हो चुके थे। फिर भी युवा देश और पीएम मोदी के साथ खड़ा रहा, क्योंकि देश बदल रहा था। जीएसटी से घन चक्री हो गया रोजगार का सिस्टम। नोटबंदी के बाद आई अनप्लान्ड जीएसटी। मोदी सरकार के लाख दावों के विपरीत जीएसटी ने उद्योग धंधे बढ़ाने और रोजगार देने वाले सिस्टम को घन चक्री करके रख दिया। रिपोर्ट्स कहती है कि जीएसटी के बाद बड़ी संख्या में उद्योग धंधे चौपट हो गए, लाखों की संख्या में रोजगार प्रभावित हुआ। लेकिन देश का युवा अब भी मोदी सरकार के साथ खड़ा रहा, क्योंकि देश बदल रहा था। युवा भी बोला, मैं भी चौकीदार। साल था 2019। एक बार फिर आम चुनाव में जनता की खामोश आंतरिक लहर ने खुद के दम पर सरकार बनाने के लिए भाजपा और मोदी को बम्पर सीटें जीताकर बहुमत तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी का नारा मैं भी चौकीदार को युवाओं का समर्थन मिला। युवाओं ने भी इस नारे में अपना नारा जोड़कर कहा, हम भी चौकीदार। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पीएम मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन जब बैंक की रिपोर्ट सामने आने लगी तो आम जनता का मन अंदर से हिलने लगा। मोदी सरकार द्वारा देश के 50 उद्योगपतियों के 63,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आई। अडानी और अंबानी सहित कुछ उद्योगपतियों का कारोबार दिन दुना रात चौगुना होने लगा। अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप का नाम तो राफेल सौदे के दौरान भी आया। मामला 30,000 करोड़ रुपए की रकम से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि राफेल सौदे से जुड़ी इस राशि को सीधे अंबानी की जेब में डाला गया है। खैर, अब बात आई गई हो गई। इधर अंबानी अडानी का कारोबार फलने फूलने लगे। जब देश के दूसरे मंझले उद्योग और कारोबार बंद होने लगे, तब भी युवा पीएम मोदी के साथ खड़ा रहा। 6 साल में अर्थव्यवस्था पर तीसरी बड़ी मार। अब आया मोदी सरकार का अनप्लान्ड लॉकडाउन। प्रधानमंत्री 8 बजे टीवी पर आए और कह दिया, 4 घंटे बाद यानी कि रात 12 बजे से सब कुछ बंद। एक ही झटके में सब कुछ बंद करने का ऐलान। कोरोना काल के आने से पहले ही बदहाली की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पिछले 6 सालों में यह तीसरी बड़ी मार थी। लॉकडाउन के बाद जब उद्योग धंधे और कारोबार सब पूरी तरह प्रभावित हो गया, कईयों का तो दिवाली से पहले ही दिवाला निकल गया। जब युवाओं का रोजगार छिन गया, तब जाकर देश के युवाओं का मन का दर्द छलकना शुरू हुआ। अब की बार युवा बोला, हम भी रोजगार, रोजगार दो मोदी सरकार। मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता रोष। औंधे मुंह गिरी जीडीपी के बाद तो जैसे युवाओं को मोदी सरकार पर से भरोसा खत्म सा हो गया। सोशल मीडिया पर एक तरह से अभियान शुरू हो गया। हालत ये बन गई कि मोदी और भाजपा के यूट्यूब चैनल्स को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिलने लगे। आधी रात को भाजपा आईटी सेल ने प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल से लाइक और डिसलाइक ऑप्शन की तालाबंदी कर दी। भाजपा ने तो इतना कह दिया कि डिसलाइक भारत विरोधी देश तुर्की और अन्य देशों से है। तुर्की पाकिस्तान से नहीं, भारत के युवा है हम। लाइक डिसलाइक का ऑप्शन बंद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पर तो कोई लाइक डिसलाइक नहीं कर सकता, तो लोग भाजपा के यूट्यूब पर गुस्सा निकालने में लग गए। कल प्रधानमंत्री को अमेरिका सहयोग संगठन से जुड़े लोगों को संबोधित करना था और भाजपा के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होना था। इससे पहले ही मोदी का भाषण शुरू होता 20,000 डिसलाइक आ गए, यानी लोगों ने भाषण तक सुनने के प्रति अपनी असहमति जता दी। युवाओं ने अपना नाम और शहर का नाम लिखकर बताया कि मैं भी बेरोजगार हूँ, पाकिस्तान या तुर्की या फिर किसी और देश से नहीं हूँ। रात होते होते भाजपा की इस साइट पर युवाओं की नाराजगी की बाढ़ आ गई। बाढ़ तो देश में बेरोजगारी की भी आ रही है, लेकिन शायद मोदी सरकार को नजर नहीं आ रही। युवा मोदी सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करके सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। इन वीडियो को कुछ ही घंटों में लाखों लाइक मिल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि देश बदलने के साथ साथ
देश का युवा भी बदल रहा है। 2014 में मोदी का भाषण शुरू होने से पहले देश बदलने के सपने के लिए भरपूर उत्साह में मोदी मोदी करने वाले इस युवा को 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो युवा अब मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात यानी कि मन की बात तक नहीं सुनना चाहता है। मोदी के डिसलाइक के साथ बड़े राहुल गांधी के लाइक। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी को देश में पप्पू साबित कर दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था का बंटाधार यानी तिमाही जीडीपी के -24 में जाने के बाद युवाओं का ध्यान अब राहुल गांधी पर आना शुरू हो गया है। नोटबंदी और बेरोजगारी पर बनाए गए राहुल गांधी के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। जहां एक और पीएम मोदी से जुड़ी साइटों पर डिसलाइक बढ़ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी के वीडियो पर आने वाले लाइक की गिनती में बढ़ोतरी होती जा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।